आपका जो जो दिन चाहते ना घर में जितना सामान बड़ा वाशा के कहने पर सारा कुछ डाल दें। इसके अंदर आप खोया भी डाल सकती हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी वेस्ट करना चाहते हैं। और इसके अंदर बादाम और वो तो जाएंगे करो गानों। इसकी आपने पंजाबी में की जगह ब्याहां जो पीते थे ना तुम सबस चाह के पीछे बजे फिर दे भाई सबस जान नहीं लगदी। वेलकम टू दी जैकस किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मेरी लैब में बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक चाय है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत ज़्यादा शादियों ब्याहों पे फंक्शनों पे बनाई जाती है, सर्दी के मौसम में पी जाती है, जो लोग ढूंढ ढूंढ के पीते हैं चाय। जी हाँ जी, आज मैं आपके साथ ग्रीन टी, कश्मीरी चाय, पिंक टी, ये सभी नाम एक ही चाय की हैं और ये हर एक से बहुत अच्छी नहीं बनती, टेस्ट अच्छा नहीं बनता, कलर अच्छा नहीं नहीं आता। तो आज आपके साथ मैं ये सारे सीक्रेट शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, फटाफट आप लोगों ने कॉपी पेंसिल ले लेनी है, सारे इन्ग्रीडियंट नोट डाउन कर लेने हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेहतरीन किस्म की ओरिजिनल ग्रीन टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 कप के करीब पानी लिया, इसमें 2 दालचीनी के मैंने बड़ी स्टिक्स डाल दी हैं, 2 लौंगें डाली हैं, 1 बादियान का फूल डाला है। और इसमें मैंने डालने के बाद ये देख रहे हैं अभी मैंने इसके अंदर ग्रीन टी के जो पत्ते हैं यानी कि सबस चाय की जो है जिस जान है इस चाय की वो ऐड नहीं की है अभी मैंने। अभी सिर्फ ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है पानी इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो मैंने इसमें ऐड किए हैं अभी। और ये बहुत ही मज़े की खुशबूदार और बहुत ही अच्छी और यमी टी बनती है। मैं आपको कह रही हूँ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी। इसमें मैंने ग्रीन टी ऐड कर दिया, अभी 1 टेबल स्पून और 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ग्रीन टी जाएगी यानी कि सब्ज चाय के पत्ते जाएंगे। आप इसके ताज़े पत्ते खरीदिएगा यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, कि जैसे मौसम शुरू होता है सर्दियों का तो फिर दुकानदारों के पास इनकी जो फ्रेश पत्ती होती है सब्ज चाय की वो अवेलेबल होती है। अभी देख रहे हैं अभी इसका कोई ऐसा कलर नहीं निकला हुआ कि आप देख रहे हैं, कुछ नहीं है, बस अभी ये इसी तरह से गर्म हो रही है। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी और ये पानी अपनी क्वांटिटी में हाफ हो जाएगा देन मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। शादी ब्याहों में ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में ग्रीन टी शादियों ब्याहों में बहुत ही अच्छी लगती है, हर कोई इसको ज़रूर बनवाता है। कुछ लोग ये शादी के स्टार्ट में यानी कि अभी यानी फंक्शन स्टार्ट होता है तब उनको सर्व करते हैं और कुछ लोग खाने के साथ रखते हैं और खाना खाने के बाद पीते हैं। इसको मीठे और नमकीन दोनों तरीक़ों से पिया जाता है, कुछ लोग इसमें नमक डाल के पीते हैं और कुछ लोग इसमें चीनी डाल के पीते हैं। ये दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही मज़े की लगती है। और आप लोगों से एक सीक्रेट मैं शेयर करूंगी, वो आगे जाके शेयर करूंगी। आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी, स्किप नहीं करनी। और ये जो रेसिपी का जो सीक्रेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कारामत है। ये देखें पानी अपनी क्वांटिटी से हाफ रह चुका है यानी कि 4 से 5 कप डाले थे, 2.5 कप इसके अंदर रह गया। और कलर देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये इसको छान लेना अच्छे तरीके से और ये जो पत्ते हैं और ये जो दालचीनी वगैरह के पीसेस थी इनको अलग कर देना। सब्जी इलायची भी डालनी थी 3 से 4 अदद ताकि खुशबू अच्छी तरीके से, और जब आप दूध गर्म करेंगे तो तभी ऐड करेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कलर आया है और आप देख रहे हैं कि देखने में ही ये पिंकिश लग रही है। ग्रीन टी का जो ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर इसमें आएगा। और एक और छोटा सा टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पे मैंने 1 kg
के करीब, 1 लीटर के करीब यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध को भूखे से पकाया, देख रहे हैं इसको मैंने हाफ कर लिया था चीनी डाल के और इलायची डाली। अब इसके अंदर मैं कावा ऐड कर दिया जितना मुझे चाहिए, ये जो मैंने तैयार किया था। इसको मैं डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अभी आपको इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसमें यह है कि जो शादी ब्याहों में बनती है उसमें थोड़ा सा वो कलर ऐड करते हैं, पिंक कलर। और आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें थोड़ा खोया भी ऐड कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम भी इसको काट के रखे हुए हैं, इसमें दूध में थोड़ा सा लिया है। ये फूड कलर या पिंक आपको लिक्विड में मिल जाएगा, उसके कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा जो शादी ब्याहों में आप लोग पीते हैं कलर होता है चाय का, वैसे एग्जैक्ट आएगा। तो इसमें आप लोग खोए का इजाफा कर सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। इतने 1 लीटर दूध के अंदर आप तकरीबन 1/2 कप के करीब खोया ऐड कर दें, बहुत ही मज़े का यमी टेस्ट आएगा। और इसके अलावा आप इसके अंदर चीनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यकीन जाने ये पियोगे तो तुसी हैरान परेशान हो जाओगे। तो आप लोगों ने लाजमी ये बनानी है, और आजकल मौसम भी है, और ख़ुद भी पिए और घर वालों को भी पिलाएं, जब मेहमान भी आएँ तो उनको भी पिलाएं, और उन सब लोगों से आप लोग दांत वसूल करें तो आपकी हो जाएगी। वाह वाह नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा पिला दीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक कलर आया इस पर। और आप देख रहे हो कितने ईजी मेथड से आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग आँखें बंद करके ये रेसिपी बनाएँ तो एक्यूरेट होगी, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और जब एक दफ़ा पी लेंगे तो दिल चाहेगा ना बार बार पिए। मैं जब बनाती हूँ, हम लोग ये तकरीबन बनाने के बाद सारा दिन पीते ही रहते हैं। अभी इसमें मैंने पिस्ते भी काट के रखे हुए हैं और बादाम भी कुछ इसमें ऐड कर दिए। पिस्ते बादाम कुछ हम लोग जब सर्व करेंगे, कप्स में निकालेंगे, तो तब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा मज़े का हुआ है। और सर्दी में, सर्दी की शाम में पिए या सुबह सुबह पिए, और जब ये गरम गरम टी नोश करेंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपको इसको कप में निकाल के दिखाती हूँ। ये आपकी मज़ेदार किस्म की ग्रीन टी कश्मीरी चाय तैयार है, आप लोग ज़रूर इसको पियोगा। अगर लाइक मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।